खबरों में आगे बढ़ेंगे। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र में थी, जहां उन्होंने रानी चौकिया में बच्चों के साथ फुर्सत वाले पल बिताए। क्या पढ़ाते हैं? ड्राइंग कराते हैं, आर्ट बनाते हो? जाता कि नहीं? अच्छा लगता जो मैम जी पढ़ाती हो, समझ में आता है? क्या क्या पढ़ाती है मैम? हिंदी इंग्लिश। तुम्हें दोस्त है आपके? सहेली का क्या नाम? रंजना। बातें करती हो? खाने में क्या क्या मिलता है? साग भात, रोज साग भात ही मिलता है। खिचड़ी मिलती है, साग भात मिलता है, और क्या मिलता है? दाल रोटी भी मिलती है। अच्छा खाना मिलता है? खाने में अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लगता है। और मैम पढ़ाती तो आप मन लगा के पढ़ती हो? खूब पढ़ाई किया करना, ठीक है? बिस्किट मिला आपको? आप देख रहे हैं सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रामपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिना आजम खान का नाम लिए कहा था कि रामपुर का मशहूर रामपुरी चाकू पहले गलत हाथों में था। सीएम योगी ने कल ये भी कहा था कि आज रामपुर में कोई किसी से नहीं डरता है, क्योंकि रामपुर में गलत करने वाले सजा भुगत रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री के इन बयानों पर आजम खान ने सामने आकर जवाब दिया और कहा, बिना किसी का नाम लिए मैंने बच्चों के हाथ में कलम दी, लेकिन उन्होंने हाथ में चाकू दिया। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में क्या कहा था और उसके जवाब में सपा विधायक आजम खान ने आज क्या बयान दिया है, दोनों आपको सुना। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का भी एक आधार बना दिया। पूरे हिंदुस्तान में रामपुर जाना जाने लगा था चाकू से नहीं। मुझे अफसोस है कि जिम्मेदारों ने यह कहा कि एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैं शब्द बशब्द कह रहा हूं, एक हाथ से लेकर चाकू दूसरे हाथ में दे दिया गया। मैंने कलम दिया है हाथ में, आपने चाकू दिया है हाथ में, बस यही फर्क है हमारी और आपकी सोच का। मैंने कलम दिया है, आपने चाकू का हाथ बदला है, लेकिन दिया आपने चाकू है। और वहीं रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का एक बड़ा बयान सामने आया है। आजम खान ने कहा कि 3 सितंबर को सीएम योगी से आजम खान के लिए नहीं मिला था प्रतिनिधिमंडल। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि एसटी हसन समेत बाकी नेता अपने काम के सिलसिले में मिलने के लिए गए थे। 3 सितंबर को सपा का डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, मुलाकात की थी। एसटी हसन समेत सपा के विधायक सीएम से मिलने के लिए गए थे, वो तस्वीर आपको याद होगी, सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। अब इसी पर कहा है कि वो आजम खान के लिए नहीं बल्कि अपने काम के सिलसिले में मुलाकात के लिए गए हुए थे। उसके लिए मिले हैं, वहाँ के मुद्दों के लिए मिले हैं, सड़कों के लिए मिले हैं, कॉलेज के लिए। एसटी हसन साहब का लेटर मीडिया पर आ गया है, हमारे लिए नहीं मिले, वो अपने मुरादाबाद अपने इश्यूज के लिए। वो लेटर ये कहना बिल्कुल गलत, वो तो सोशल मीडिया पर लेटर आ गया। लखनऊ की कई इमारतों की तरह लखनऊ का लवाना होटल भी एलजीए के अफसरों की मिली भगत से नियमों को ताक पर रखकर खड़ा कर दिया गया। लेकिन अब अग्निकांड के बाद इस इमारत पर जल्द ही बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किसी इमारत या होटल में सुरक्षा के मानकों का पालन ना होने पर एक चिंगारी देखते ही देखते कैसे सब कुछ खाक कर सकती है। आग में घिरे लेवाना होटल की ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं, क्योंकि हजरतगंज इलाके के इस होटल में हादसे को दावत देने वाले हालात थे। आसपास का माहौल भी ऐसा था जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हुई।
चारों तरफ से होटल के एक ऐसा रास्ता जो एक फायर ब्रिगेड जाने के रास्ते भर का होता है, उतनी जगह होती है जिसमें एक फायर ब्रिगेड जा सके, वाहन जा सकें, लेकिन यहां पर इस होटल में सेटबैक है ही नहीं। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निकांड की जांच के आदेश दिए हैं और खुद हादसे में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे। वहीं लेवाना होटल में लगी आग के बाद होटल के मालिक रोहित और राहुल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन हादसे के बाद अब ये सामने आया है कि बिना नक्शा पास करवाए ही ये होटल खड़ा कर दिया गया था। ऐसे में अब इस इमारत को ढाहने के आदेश दे दिए गए हैं। जहाँ कहीं ऐसी भी परिस्थिति है कि किसी भी प्रकार का नियम का उल्लंघन हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी उसमें सीलिंग की कार्रवाई तो शामिल ही है। दरअसल लेवाना होटल में आग फैलने की बड़ी वजह है वक्त पर पहुंचने के बाद भी फायर ब्रिगेड का काम शुरू ना कर पाना, क्योंकि होटल तो बना दिया गया लेकिन परिसर में फायर ब्रिगेड के जाने की जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या होटल मालिकों ने बिना किसी की मदद के इस अवैध इमारत को खड़ा कर दिया था। जो गड़बड़ियां इस जगह पर पाई गई हैं उसके लिए LDA अब जवाब देने के लिए LDA के अधिकारियों को सामने आना होगा और किसने परमिशन दी, किसने सेटबैक किसने देखा, परमिशन किसने दी, कमर्शियल परमिशन किसने दी, रिहायशी परमिशन कैसे हुई, ये सारे सवाल LDA के अधिकारियों के लिए अब बड़े सवाल बन गए हैं। चूंकि CM योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश दिए हैं, तो अब बड़े लोगों की गर्दन नपना तय है। कैमरा से योगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, LDA के 10 अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। LDA के VC ने तैयार की है दोषियों की एक लंबी सूची। और लेवाना होटल वाली जगह पर तैनात अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 5 साल में तैनात रहे JEE, AE और HCN पर कार्रवाई संभव है। आपको बताएं कि कार्रवाई के लिए पत्र शासन को भेज रहा है LDA और LDA के पत्र में करीब 10 लोगों का नाम भी है। 2017 से होटल चलने की जानकारी आई सामने, होटल संचालक पर LDA भी कराएगा FIR। हमारे साथ में इस समय LDA के VC डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे और इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में। सर, लेवाना होटल में अभी तक जो आप लोग जाँच कर रहे हैं क्या क्या चीजें सामने आई हैं? अभी समस्त जो फाइलें निकाली गई हैं, जो नक्शे 86 में पहले नक्शा पास हुआ था, कुछ पोर्शन पहले पास किया गया था इंस्टीट्यूशनल यानी कार्यालय भवन के लिए, फिर उसे निरस्त किया गया क्योंकि भू उपयोग वहाँ आवासीय है। एक शपथ पत्र दिया गया और एक अमिकेबली समझौता किया गया कि हम रेजिडेंशियल यूज़ ही करेंगे, पूरे एरिया का रेजिडेंशियल नक्शा पास किया जाए। तो 96 में रेजिडेंशियल नक्शा पास किया गया ग्रुप हाउसिंग का और उसमें एफिडेविट दिया गया इनके द्वारा कि 6 महीने के भीतर भीतर जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बनाया इन्होंने उसे कन्वर्ट करेंगे आवासीय में, बट उसको उल्लंघन करते हुए, शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए, धोखा देते हुए, छल करते हुए इन्होंने पिछले 5 साल पहले लगभग उस पर होटल खोल दिया। और इस संबंध में हमारे यहाँ नोटिस बाद में निर्गत हुई हैं और सीलिंग का ऑर्डर भी हो गया है, परंतु ये देखा गया कि पिछले 5 सालों में जब शुरू किया था इन्होंने तब उस समय क्यों नहीं रोका गया और साथ ही साथ अगर नक्शे की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो नक्शा निरस्त क्यों नहीं कराया गया। तो जो भी संबंधित लोग फील्ड अफसर जिम्मेदार हैं उनकी सूचीबद्ध कर लिया गया है, कमेटी बना के एक रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है, हम लोग उसे जिस स्तर पे कार्रवाई है उसके लिए भेज रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो चीटिंग करके हमारे साथ धोखाधड़ी किया, गलत एफिडेविट किया, स्वेयर किया, उसके बाद भी उपयोग का व्यावसायिक उपयोग किया, उसमें भी हम लोग FIR दर्ज करा रहे हैं। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बड़ी खबर दे दें, लखनऊ में अब से थोड़ी देर बाद यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक। राधामोहन सिंह, धर्मपाल सैनी, CM और दोनों ही डिप्टी CM मौजूद रहेंगे इस बैठक में। संगठन, नगर निगम चुनाव और MLC मनोनयन की सीटों पर चर्चा संभव है। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा ये बैठक हो रही है, इसलिए भी बहुत अहम हो जाती है ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और मुख्यमंत्री आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक है। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, ये बैठक शुरू हो चुकी है, ठीक 7 बजे का समय बताया जा रहा था, बैठक शुरू हो चुकी है।
भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली दफा बैठक हो रही है। संगठन, नगर निगम चुनाव और एमएलसी मनोनयन की सीटों पर चर्चा संभव है। भूपेंद्र चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बैठक हो रही है और बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है इसकी जानकारी भी देख लीजिए। राधा मोहन सिंह है, धर्मपाल सैनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम नेता बैठक में पहुंच चुके हैं। ये बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है, ताजा अपडेट आपको दे रहे हैं। तो यूपी में ये भाजपा का महामंथन है, कौन कौन देखिए, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी है, तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बने हैं। बड़ी खबर, ये महामंथन हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली मरतबा बैठक हो रही है भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव और ये बैठक शुरू हो चुकी है। विवेक, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? बिल्कुल, ये ठीक 7 बजे बैठक शुरू होनी थी और इस समय अंदर सारे लोग मौजूद हैं, यानी दो दो डिप्टी सीएम आ चुके हैं ब्रजेश पाठक और दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भीतर जा चुके हैं। इसके अलावा जो संगठन के लोग हैं, धर्मपाल सिंह सैनी जो संगठन के मंत्री हैं, जो अभी हाल ही में जिनकी तैनाती हुई है, वो अंदर मौजूद हैं और जो भूपेंद्र चौधरी हैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष, वो भीतर मौजूद हैं। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, यानी कोर कमेटी में जो लोग थे उसके अलावा उनकी मौजूदगी यहाँ पर अप्रत्याशित है, लेकिन वो भी भीतर हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं जाते हुए भीतर। तो बैठक में खास मुद्दा ये रहेगा कि आज जो प्रमुख बैठक है, सबसे पहली बैठक है कोर कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह के, ये पहली बैठक है इसलिए बहुत सारे मुद्दे तय होने आज यहाँ, चूँकि नगर निकाय चुनाव भी है, संगठन में भी बदलाव करने हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर भी बदलेगा, यानी प्रदेश का जो संगठन है वो बदलेगा और जो आरएसएस का जो भाजपा का संगठन है वो भी, उसमें भी कुछ चेंज करने हैं, उसको लेकर आज चर्चा की जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। फरवरी में विधान परिषद के 6 सदस्यों के लिए जो मनोनयन होने हैं उसके भी नाम यहाँ पर आज चर्चा की जाएंगी और आगे की रणनीति के संगठन किस तरह से काम करेगा, यानी जो चुनाव की तैयारियां हैं, चुनाव में संगठन की क्या भूमिका रहेगी, कौन कौन से लोग क्या क्या करेंगे, ये पूरा एक कार्य योजना तैयार होगी और उस पर लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, यानी जो जो बैठक में शामिल है वो आगे जो सदस्य बनेंगे, जो संगठन से जुड़ेंगे, पदाधिकारी बनाए जाएंगे, उनके नामों पर चर्चा होगी और किस तरह से रूपरेखा तैयार होगी नगर निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा जो माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने हैं उनकी पूरी भूमिका कैसी रहेगी, सरकार की पॉलिसी है, जो सरकार की योजनाएँ हैं वो, उनको प्रचार प्रसार करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संगठन के लोगों की होती है, ज़मीन पर काम करते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो पार्टी के लोग, जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है अपने क्षेत्र में जाकर, तमाम उनके अलग अलग क्षेत्र अलॉट किए गए हैं और उनसे एक रिजल्ट भी मांगा जाता है, उनसे पूरे जो उनका भ्रमण कार्यक्रम होता है, भ्रमण कार्यक्रम करके वहाँ की रिपोर्ट भी मांगी जाती है, वो रिपोर्ट तैयार करने का काम संगठन के लोग करते हैं, मंत्री की रिपोर्ट वो देते हैं शासन को, सरकार को। तो यहाँ पर आज बैठक में सारी चीजों इसी पर चर्चा होगी कि कैसे तो संगठन को पुनर्जीवित करना है। बैठक चलेगी, ये देखना होगा कि उसके बाद भी आपसे अपडेट लेंगे। विवेक, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मऊ की एक चुनावी सभा में सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर को फिल्म बाहुबली के किरदार कटप्पा का नाम दिया था और उस वक्त महेंद्र राजभर बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, लेकिन अब महेंद्र राजभर ने पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को ही बाहुबली बताते हुए बगावत कर दी। छब्बीस सितंबर से पूर्वांचल से निकलकर पूरे प्रदेश में यात्रा निकालकर जनता को सावधान करने जा रहे ओम प्रकाश राजभर अपने अभियान से पहले खुद सावधान हो गए हैं, जिसकी वजह है ओम प्रकाश राजभर के सबसे भरोसेमंद साथी महेंद्र राजभर, जिन्होंने 29 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आज सुभाषपा की छड़ी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जो इनका 17 से लेकर के 22 तक किसी ना किसी दल से गठबंधन करके और गठबंधन के बाद जब चुनाव हो जाता है तो उस पार्टी को उल जलूल बोल करके छोड़ दिया करते हैं। इस नाते हम समाज के लोगों को ये लगा कि नहीं, अब ये गोलियां करके समाज को बेच रहे हैं, इस नाते अब इनकी लड़ाई के साथ हम लोगों को नहीं रहना है, इस नाते उनके लड़ाई से क्षुब्ध हो करके आज हम लोग पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं।
महेंद्र राजभर का आरोप है कि 2017 में सत्ता का स्वाद चखने के बाद ओम प्रकाश राजभर की लाइन लेंथ बदल चुकी है और अब सुभाषपा को चलाने में ओम प्रकाश राजभर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के सलाह मशविरा को तरजीह दे रहे हैं। बाहुबली माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। कैसे बाहुबली ओम प्रकाश राजभर इस नाते हैं कि सड़क से लेकर के सदन तक उन्होंने बयान दिया है कि माफियाओं का माफिया मैं हूं। ओम प्रकाश राजभर से महेंद्र राजभर की नाराजगी का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है कि जिस दोनों ने साथ मिलकर 20 साल पहले पीली टोपी पहनकर जिस पार्टी की नींव रखी थी वही पीली टोपियां आज महेंद्र राजभर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमीन पर रौंदी जा रही थी। ऐसे में पार्टी में हुई इस बड़ी फूट के बाद अब समस्त राजभर परिवार डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कंधे से कंधा मिलाने के चलने की बात करते थे वो लोग भ्रमित हो गए, किसी के बहकावे में आ गए, किसी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं के इशारे पर काम करने लगे, तो जो नीति और नियत हमारे साथ थी वो बदलती दिख रही है। हमारा प्रयास होगा उनको मनाया जाएगा। अरुण राजभर भले ही रूठों को मनाने की बात कर रहे हैं लेकिन महेंद्र राजभर के तेवरों से लगता नहीं कि वो अब अपने फैसले से पीछे हटेंगे, क्योंकि महेंद्र राजभर का दावा है कि जल्द ही सुभाषपा के और भी नाराज कार्यकर्ता और नेता उनके साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। चलिए अब आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता दें, राजपथ का नाम बदलेगी मोदी सरकार, ये बड़ी खबर मिल रही है। कर्तव्य पथ रखा जाएगा राजपथ का नाम, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। राजपथ का नाम बदलने जा रही है मोदी सरकार, ये कहा जा रहा है बड़ी खबर। कर्तव्य पथ रखा जाएगा राजपथ का नाम, ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। राजपथ का नाम बदलेगी मोदी और मोदी सरकार, केंद्र की सरकार, और कर्तव्य पथ इसका नाम रखा जाएगा, ये जानकारी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ में आज सुबह एक होटल में आग लगने से हुए दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में मरने वालों में एक युवक और युवती भी शामिल थे जिनके कुछ दिनों के बाद ही शादी होनी थी, लेकिन अब दोनों के परिवार में मातम छा चुका है। उनके परिजन पूछ रहे हैं कि उनके बच्चों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है। लखनऊ में सोमवार की सुबह धुएं और आग की लपटों से घिरे इस होटल की आग पर दोपहर होते होते काबू तो पा लिया गया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने 4 परिवारों को वो जख्म दे दिए जिसे वो जीते जी शायद ही कभी भुला पाए। लिवाना होटल में हालात को काबू करने में जुटे जवानों की यही कोशिश थी कि अंदर मौजूद हर शख्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, लेकिन दरवाजे तोड़ते तोड़ते इतनी देर हो गई कि होटल में ठहरे 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। सुबह 9:30 बजे से हम लोग इसमें लगे हैं और हमारी टीमें 3rd फ्लोर तक, पूरी जो हमारी संयुक्त टीमें हैं अग्निशमन NDRF SDRF सभी लोग अभी 3rd फ्लोर तक हम लोग ने ओके दिया है कि हाँ यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं है, और जहाँ जहाँ आग है, धुआं है, बहुत गर्मी है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन वहाँ भी जो फायर सर्विस की पूरी इक्विपमेंट्स है हमारे पास, फायर के इक्विपमेंट्स SDRF NDRF हमारे पास, वो सब लोग लेके हम लोग इसमें लगे हैं। लखनऊ के लिवाना अग्निकांड में जिन 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी उसमें गुरनून आनंद और साहिबा कौर के अलावा अमान गाजी और श्रविका सिंह का नाम है। मरने वाले 4 लोगों में शामिल गुरनून आनंद और साहिबा कौर की कुछ दिनों पहले ही सगाई हुई थी, लेकिन लिवाना होटल में ठहरे गुरनूर और साहिबा होटल में लगी आग की शिकार हो गए, लेकिन अब उनके परिवार वाले सवाल पूछ रहे कि उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर होटल चलाने वाले रोहित अग्रवाल जैसे लोग या सब कुछ मालूम होते हुए भी आंख बंद कर हादसे का इंतजार करने वाले अधिकारी। कोई फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है इस तरह के होटल्स में। फायर सेफ्टी मेजर्स इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, कैसे 2 जवान बच्चे हमारे चले गए, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। अधिकारी तो हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे सब चीजें हेल्प कर रहे हैं, पर डेथ हो गई, अब मैं उनको वापस ला सकता हूँ। वक्त रहते जिन लोगों की जान बचा ली गई फिलहाल उनका इलाज चल रहा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लखनऊ में सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर लिवाना जैसे कितने और होटल हैं, और क्या ऐसे हादसे हो जाने के बाद ही
होटल और इमारतों की सुध ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अपने ठगी की कई खबरें देखी और सुनी होगी, लेकिन जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस तरह की ठगी का शिकार आप भी बन सकते हैं। बिल्कुल, यह खबर बिजनौर से है, जहां एक ठग पुलिस की वर्दी पहनकर पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी कर चुका था। अब पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस चेहरे को गौर से देख लीजिए, ये कोई पुलिस का अधिकारी नहीं है। ना ही यहाँ कोई पुलिस टीम का फोटो सेशन चल रहा है। ये आरोपी शातिर ठग है, जिसके पास पुलिस की वर्दी में लगे सजावट का हर वो चीज मौजूद है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा की वर्दी में होता है। वर्दी में इसने अपना नाम तक गलत दर्ज करवा रखा है। ये फर्जी दरोगा अब तक बिजनौर के कई नौजवानों को चूना लगाकर लाखों रुपए ठग चुका है। आरोप है कि बिजनौर का शैंकी कुमार यूपी पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार नौजवानों को पुलिस की ज्वाइनिंग लेटर देता था और बदले में पैसे लेता था। उन्होंने पैसे के बहाने से बुलाया था, इसलिए पकड़ा गया। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? फर्जी कॉल लेटर दिया था। कैसा? फर्जी। फर्जी दरोगा शैंकी दो युवकों को उत्तर प्रदेश पुलिस की फर्जी नियुक्ति लेटर देने आया था, जिसकी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने यूपी पुलिस की फर्जी वर्दी पहने दरोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 370,000 रुपए एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का, उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस टीम ने फर्जी दरोगा पर केस दर्ज करके जेल भेज दिया है, वरना ना जाने ये कितने और लोगों को ठगी का शिकार बना लेता। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को रविवार को छुट्टी का दिन होता है, लेकिन बागपत के एक स्कूल में नियम कानून को ताक पर रखकर बच्चों को शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। बागपत का ये स्कूल रविवार को भी खोला जाता है, पढ़ाई भी होती है, कक्षाएं भी संचालित की जाती है। आप पूछेंगे कि यहाँ बच्चों को छुट्टी कब दी जाती है, इसका जवाब आप इसी स्कूल के संचालक से सुन लीजिए। माइनॉरिटी के कारण जो है हमारा फ्राइडे में हमें बीच में छोड़ना पड़ता है, इसलिए हमने संडे ले रखा है। जुमे की वजह से माइनॉरिटी के बच्चे हैं, टोटल मुस्लिम बच्चे होने की वजह से। स्कूल के संचालक का तर्क आपको हैरान करने पर मजबूर कर देगा। स्कूल संचालक ने ये भी बताया कि उनके स्कूल को तो अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं मिली है। दिक्कत ये है कि हर उसमें महकमे में जाते हैं तो पैसा मोटा मांगा जाता है भाई, वो पैसे के लिए कहते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इतने गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाँव के मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे हैं, इतने फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। आनंद फानन में इस स्कूल की शिकायत की गई, जिसके बाद स्कूल को नोटिस भेजा गया है और कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये कल हम लोगों को एक सूचना मिली है, जिसमें इस प्रकार के एक विद्यालय के बारे में शिकायत की गई है। आज बीएसए की एक टीम बीएसए स्वयं जो है उस जाकर मौके पर देख रही है, अगर इस प्रकार की कोई शिकायत सच पाई जाती है तो उस पर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। बागपत के इस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराई जाती है, 102 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिसे साल 2021 से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि जब किसी स्कूल को सरकारी मान्यता ही नहीं मिली तो कैसे नियमों को ताक पर रखकर इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जो फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।